अस्सलाम वालेकुम बेटा। देखो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर एनईडी के हवाले से एक शॉर्टकट मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एप्टीट्यूड के हवाले से मुझे बताइए, अगर कभी आपको बोला जाए कि आप डी बाय डी एक्स मालूम करो एक्स टू दी पावर 4 का, तो मुझे बताओ बेटे इसका जो पहला डेरिवेटिव आता है उसमें यही करना होता है ना, पावर नीचे आ जाती है, बेस एज इट इज आ जाता है और पावर में से आप एक कम करवा देते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इसका आप सेकंड डेरिवेटिव लो, इसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट कराओ, तो बोलो जब तुम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करवाओगे तो तुम दोबारा वही काम करोगे, पावर नीचे लेके आओगे और पावर में से एक माइनस कराओगे। अब बोलो 3 4 जा ये बन जाता 12 और एक्स की पावर में से आपने मजीद एक कम करवा दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका आप थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएं, तो थर्ड डेरिवेटिव में क्या करते, फिर दोबारा 2 12 24 और पावर में से आप एक मजीद कम करवाते, 2 में से आप 1 माइनस करवाएंगे तो नई पावर 1 आ जाएगी। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आप फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करें, तो आप जानते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो 24 ही सिर्फ बच जाता। अरे यस, ऐसा ही है ना। तो आपको किसी भी एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसी का सेकेंड डेरिवेटिव, फिर उसी का थर्ड डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना आता है ना। मतलब ये बेसिक फंक्शन था, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, फिर ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। लेकिन एनईडी के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये बात याद रखिएगा कि वो आपको कोई सवाल देंगे और उस क्वेश्चन का, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे डायरेक्ट बोलूँ कि डी बाय डी एक्स मालूम करो किसका, एक्स टू दी पावर 4 का, तो वो आपसे पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव और चौथा डेरिवेटिव इस तरह नहीं कैलकुलेट कराएगा। वो आपसे बोलेगा कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कराओ थर्ड डेरिवेटिव, कि तीसरा डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो अब मुझे बताइए, नॉर्मल रूटीन का तरीका तो ये कि पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप लेते सेकेंड डेरिवेटिव, फिर आप लेते थर्ड डेरिवेटिव, फिर आप लेते फोर्थ डेरिवेटिव, सही है ना। यानी आपको थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता ना। अब आओ मैं तुम्हें इसका बता रहा हूँ शॉर्टकट, याद रखना। अगर तुम्हें कभी भी किसी वेरिएबल का, यानी किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट कोई सा डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना हो, तो आप सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कैलकुलेट नहीं करवाएंगे। ये सारा काम नहीं करना आपको। कौन सा काम करना है तो ध्यान से सुनिएगा। देखें, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जरा सुनो बेटे। अगर कभी भी डी बाय डी एक्स मालूम करना हो तुम्हें एक्स टू दी पावर एन का, तो उस डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए तुम सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रख लो, एन परम्यूटेशन 4 एक्स टू दी पावर, सॉरी एन परम्यूटेशन आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, एन परम्यूटेशन आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर। ये वो फॉर्मूला है बेटे जिससे तुम डायरेक्ट ना अपने मतलूबा डेरिवेटिव तक पहुंच जाओगे, जो सा तुम्हें डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाना है। अब तुम याद रखना, तुमने जब इसका थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाया था, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या बना था, 24x। लेकिन तुमने थर्ड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करवाया, पहले तुमने उसका लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका लिया सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड से पहुंचे थर्ड डेरिवेटिव तक। अब मुझे पहुंचना है डायरेक्ट इस थर्ड डेरिवेटिव तक, तो देखो मैं कैसे पहुंचूंगा। इस फॉर्मूले से मैं लिखूंगा वही डी बाय डी एक्स एक्स टू दी पावर 4, जो मुझे असल सवाल दिया हुआ था। अब मुझे कहाँ पहुंचना है, थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचना है मुझे। तो मैं एन क्या लूंगा, एन वो लूंगा जो एक्स की मुझे पावर दी हुई है, मैंने एन की जगह वो पावर लगा दी, फिर परमिटेशन। अब बोलो मुझे कौन सा निकालना है डेरिवेटिव, तो आर की जगह वो आएगा जिस डेरिवेटिव तक तुम्हें पहुंचना है, तो आर की जगह तुम 3 लिखोगे, क्योंकि तुम्हें निकालना ही कौन सा डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव। फिर बराबर में वही बेस लिखोगे, पावर लिखोगे वही 4, और कौन से डेरिवेटिव तक पहुंचना था, थर्ड डेरिवेटिव तक, वो लिख देना। अब 4 परमिटेशन 3, आप सब जानते हैं एनईडी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड है। कैसे निकालोगे बेटे कैलकुलेटर से, तो ऑन करना जरूरी है। सबसे पहले 4, अब परमिटेशन का सिंबल तुम देख रहे हो मल्टीप्लाई के ऊपर दिया हुआ है, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके परम्यूटेशन का साइन दबाओगे, मल्टीप्लाई का साइन दबाओगे तो परम्यूटेशन आ जाएगा, उसके साथ में 3 लिख दिया, तो 4 परम्यूटेशन 3 से जो हमें आंसर मिला वो 24। तो 4 परम्यूटेशन 3 का जो आंसर हमारे पास आया, वो आंसर आया डायरेक्ट क्या, 24, और एक्स टू दी होल पावर, बेटे 4 में से 3 माइनस कराओगे तो नई पावर क्या आएगी, 1। यानी मुझे बताइए कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ था, जो आपको फंक्शन दिया हुआ था, बगैर फर्स्ट डेरिवेटिव, बगैर सेकंड डेरिवेटिव, बगैर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाए आपने उसका थर्ड डेरिवेटिव क्या निकाला था, 24x। और यहां देखो थर्ड डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या आ रहा है, 24x। अरे यस, आप एक और एग्जांपल लिख लीजिए।
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 गिवन है और इसका आप निकालिए डायरेक्ट, इसका आप निकालिए डायरेक्ट फोर्थ डेरिवेटिव, तो अगर तुम्हें इस एक्स की पावर 5 का डायरेक्ट कौन सा निकालना हो डेरिवेटिव, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ निकालना हो, तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए सिंपल क्या काम करोगे, पहले पावर लिखोगे, परमिटेशन में नीचे वो नंबर लिख दोगे जिस डेरिवेटिव तक तुम्हें पहुंचना है, फिर साथ में बेटे एक्स लिख दोगे और उसकी पावर में से वही माइनस करवा दोगे जिस तक तुम्हें पहुंचना है। अब 5 परमिटेशन 4 का अगर हम आंसर कैलकुलेट करवाते हैं तो ज़रा चेक कीजिएगा, 5 शिफ्ट दबा के परमिटेशन का बटन आ गया, फिर 4, तो 5p4 से आंसर क्या मिला, 120। तो 5p4 का जो आंसर आया 120, वो आंसर आपने एज इट इज लिखा, साथ में एक्स लिख दिया, बेटे 5 में से 4 माइनस करा दोगे नई पावर 1 आ जाएगी। तो मुझे बताइए एक्स की पावर 5 का अगर आपको डायरेक्ट फोर्थ डेरिवेटिव निकालना हो तो आप डायरेक्ट फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले को यूज़ करवा के, इस फॉर्मूले को यूज़ करवा के, एन पी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर। आई होप कि बेटे आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया बेटे तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा कि इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, सिर्फ ये एक छोटी सी एफर्ट है उन तमाम बच्चों के लिए जो लोग हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं पढ़ पा रहे और एनईडी के अंदर जिस टाइप की चीज़ें, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको केटर करने के लिए थोड़ी बहुत उनको कम से कम हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट करके समझा सकें या उनको गाइड कर सकें कि बगैर एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़े आप यहाँ पर हमारे साथ मिलके कैसे अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।